दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध में अब तक आपने हर तरीके के हथियारों का इस्तेमाल होते हुए देख ही लिया है, लेकिन अब रशिया की तरफ से डॉल्फिन का इस्तेमाल इस युद्ध में किया जा रहा है। और आप सभी ये बात काफी अच्छे से जानते हो कि डॉल्फिन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, जिस वजह से इनको ट्रेन करना आसान होता है। और युद्ध के दौरान इन डॉल्फिन का ऐसे फायदा होता है कि इनके ऊपर कैमरे लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से दुश्मन देश की लाइव फुटेज दिख जाती है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से तो इन डॉल्फिन के ऊपर एक्सप्लोजिव लगाना शुरू कर दिया गया है, जिस वजह से दुश्मन देश के फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर और पनडुब्बियों को आसानी से तबाह किया जा सकता है। और आज के समय में चार देश इस तरीके की डॉल्फिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यूएस, इसराइल, रशिया और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। रशिया की तरफ से इन डॉल्फिन को अब ब्लैक सी में उतार दिया गया है। रूस को कहीं ना कहीं अब ये खतरा हो रहा है कि नेटो ब्लैक सी के थ्रू